হজৰত মহম্মদ হ'ল হিটলাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আপুনি, হজৰত মহম্মদক আপুনি হিটলাৰ বুলি কৈছে, হয় ন? আপুনি চাবচোন, ইছলামৰ ইতিহাস চাব, হজৰত মহম্মদৰ ইতিহাস চাব, পঢ়িব। মই নপঢ়াকৈ কোৱা নাই, অধ্যয়ন নকৰাকৈ কোৱা নাই, পঢ়িব, চাব, জানিব 52খন ইছলামিক কাণ্ট্ৰিৰ ইতিহাস আছে। যেতিয়াই মই আৰু সময় মই তেতিয়াও ক'ম, কাৰণ হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে, কাৰণ ইছলামৰ বিষয়ে মই যি পঢ়িছোঁ জানিছোঁ কৈছোঁ। আৰু এইটোও কৈছোঁ, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম একনায়কত্ববাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, ইছলাম ধৰ্ম একনায়কত্ববাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কিন্তু হজৰত মহম্মদক মই হিটলাৰৰ লগত এইকাৰণে কৈছোঁ, হজৰত হিটলাৰে যেনেকৈ নিজৰ ক্ষমতা বিস্তাৰৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিল, নৰহত্যা কৰিছিল, হিংসা কৰিছিল, অত্যাচাৰ কৰিছিল, সন্ত্ৰাস কৰিছিল, দুনিয়া কে সারে ইনসানোঁ কে লিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লিয়ে রহমত এসি, দয়ালুতা এসি কি এক বার এক গ্যার মুসলিম আপকে হ্যাঁ আয়া, আপকা মেহমান বনা, খান পেট উসকা খারাপ হো গিয়া খানা খানে সে, রাত মে উসনে বিস্তর মে পখানা কর দিয়া। জব উসকি নীন্দ খুলি, উসকো বহুত শর্মিন্দগি মহসুস হুই, অর ও চলা গিয়া, ডর শরম কি ওজহ সে চলা গিয়া, ছোড় কে চলা গিয়া। কাফি দূর আগে গিয়া তো উসকো ইয়াদ আয়া, আরে হম তো তলওয়ার ভুল গয়ে। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा, जब वापस लौटा उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज़ सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो पखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफी का उदाहरण देते हैं, और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा, मुसलमानों की नजर पड़ी, मानने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने कहा खबरदार उसको मानना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते, हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं। लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था, और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना, बहुत मशहूर वाक्या है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर था, वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चिढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, दो दिन नहीं पड़ा, तीन दिन नहीं पड़ा, आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं। ओ, बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने तीन दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई।
भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आप, आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो एक दो नहीं, दुनिया के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं कि नहीं? लेकिन आप अपनी जान देने के लिए तो तैयार हो, लेकिन आप उनके आदर्शों को मानने के लिए तैयार नहीं हो। जरा सोचिए, जिसने ओझड़ी फेंक दी आपके ऊपर, जिसने आपके ऊपर गंदगी फेंकी, जिन लोगों ने आपके ऊपर कंकड़ फेंके, जिन लोगों ने आपका पीछा किया तमाम अपशब्द कहते हुए मक्का में, उन लोगों से आपने कोई बदला नहीं लिया, कहा माफी माफी और माफी। ताइफ का वाकया, कितनी बुरी तरह घायल किया गया था ताइफ में आपको, और जब अल्लाह ने कहा आपसे कि कहिए तो मैं ताइफ को कुचल दूं, आपने क्या कहा? आपने माफी दे दी। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर प्रत्यक्ष अपमान और अत्याचार करने वाले को केवल माफ कर रहे हैं।